Hi guys, this is Amardeep Srivastav and this is the continuation of Environment and Ecology lecture on my channel GATC Simplified. This is lecture number 8 और इस lecture में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर terrestrial ecosystem जो होता है वो होता क्या है और आखिर terrestrial ecosystem पढ़ने का reason क्या है हमारे पास और terrestrial ecosystem की को कैसे हम लोग एक ग्लोब पे देख सकते हैं, कैसे पूरे का पूरा वर्ल्ड में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे डिफरेंशिएटेड है एज पर टेम्परेचर एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन गिवन इन द एनवायरनमेंट। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद टुंड्रा के बारे में जानेंगे, इसी तरह फ्लोरा एंड फौना के बारे में जानेंगे, फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे। हालांकि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा पढ़ना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता क्या है कि एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, व्हाट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? द इंटररिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ऑन द लैंड कंस्टिट्यूट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ऑब्वियस है, जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे पूरे लैंड पे हैं, अर्थ पे हैं, उनका जो रिलेशन होता है किससे? एनवायरनमेंट से और आसपास के लैंड से। लैंड एंड एनवायरनमेंट, दैट इज लैंड प्लस एनवायरनमेंट रिलेशन। विथ होम? विथ ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोलॉजी का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होता क्यों है? जैसे कि मान लो ये पूरा का पूरा ग्लोब का दे रखा है, जिसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ये फिगर देख सकते हैं। बोरियल फॉरेस्ट में ये होता है, आसपास में लैंड वाटर से कवर्ड होता है और उसमें फॉरेस्ट होता है, ठीक है? सवाना, टुंड्रा, डेजर्ट, माउंटेन्स, पोलराइज, टेम्परेचर फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड चैपरल्स। मतलब क्या है इसका कि पूरा का पूरा ग्लोब जो है, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, वो डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजी से घिरा पड़ा है। इधर वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो या डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो, सवाना हो, ग्रासलैंड्स हो, डेजर्ट्स हो, पोलराइज हो, टेम्परेट फॉरेस्ट हो, इवन टेम्परेट ग्रासलैंड हो, तो सारा का सारा डिफरेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करता कौन है? तो ये करता है ट्रोपोग्राफिक फीचर्स, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है, या फिर अपना इंडिया ही देख लो यहाँ पर। तो फिर ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डिफरेंट डिफरेंट मॉइस्चर के कारण भी और डिफरेंट ह्यूमस के वजह से भी ये डिफरेंशिएट करता है। तो ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सस्टेन क्या कैसे करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और इसके वेराइटीज क्या क्या होते हैं, इसके डिफरेंशिएशन और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग अर्थ की बात करते हैं, ठीक है? लेट्स डिस्कस अबाउट अर्थ, सॉरी द अर्थ। तो अर्थ के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि उसका फिजिकल अपीयरेंसेस क्या क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ। तो शेप ऑफ द अर्थ होता है वो नियरली जियोइड शेप का है। इसको हम लोग ऑबलेट स्फेरॉइड भी कहते हैं, ऑबलेट LATE स्फेरॉइड। ये शेप है, थ्री डायमेंशनल शेप है। एज ऑफ अर्थ, हालांकि एक डाटा है, उतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है, बट फिर भी हम लोग जानते हैं बिकॉज हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और अर्थ से रिलेटेड एनवायरमेंट और इकोलॉजी इवन फॉर इकोसिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अर्थ के बारे में जानना जरूरी है। तो एज ऑफ अर्थ क्या है? 4.5 बिलियन ईयर्स की अर्थ हो चुकी है, मतलब अर्थ बहुत ही ज्यादा पुरानी है। तो अर्थ का तीन रीजन होता है, ये तो सबको पता होगा, क्रस्ट, सेकेंड होता है मेंटल, थर्ड होता है कोर। तो कोर के बारे में एक चीज बताता हूं, ये यहां से एक ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकती है कि कोर जो होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को कंटेन करता है, मटेरियल को कंटेन करता है, ठीक है? आयरन भी इसी में होता है कोर में, निकल भी, और ये सब इसमें ही पाया जाता है कोर में। तो हमेशा याद रखना कि कोर जो होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को भी कंटेन करता है, आयरन को भी, निकल को भी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को भी। तो याद रखना कोर जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं अर्थ के शेप को और अर्थ का डिफरेंट जो हम लोग लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशंस है, जो टाइम कोऑर्डिनेट्स है हमारा, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं डिफरेंट, वो एक रीजनल कोऑर्डिनेट्स है, जैसे इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल पे चले जाओ या फिर आप नॉर्थ पोल से मूव करते हुए साउथ पोल तक आ जाओ, एक लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल डिफरेंशिएशन है। पहले तो जान लो कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो ये जो होता है वो टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है, और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है? सेकंड क्या होगा? लॉन्गिट्यूड।
ये जो होता है वर्टिकल लाइंस होता है और ये टाइम कोऑर्डिनेट होता है। तो यहां पे जो हम लोगों ने बना रखा है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या है लैटिट्यूड है। तो याद रखना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या है बेसिक, और किस बेसिस पे होता है ये समझ लेना। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, ये जो है नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहां से एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, नॉर्थ पोल पे पोलर बियर फाइन पाए जाते हैं। अब एक नॉर्मल सा जनरल स्टडीज की एक ऑब्जेक्टिव बनती है कि पोलर बियर इवन दे आर स्टार्विंग दे डोंट ईट पेंगुइन्स, मतलब पोलर बियर जो है वो पेंगुइन्स को खाते नहीं है। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि पोलर बियर जो है वो नॉर्थ पोल पे फाउंड होते हैं और जो पेंगुइन है मेरा वो साउथ पोल पे फाइंड होते हैं। मतलब क्या है, पोलर बियर सिर्फ नॉर्थ पोल पे मिलते हैं और ये सिर्फ साउथ पोल पे मिलते हैं, सो दे कांट रीच ईच अदर, सो पोलर बियर कभी खा नहीं सकता इसको। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट जोन जो डिवाइडेड है वो समझते हैं हम लोग। इक्वेटर हो गया, इक्वेटर से नीचे आने पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, एंटार्क्टिक सर्कल, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो आप समझते हैं हमारा इंडिया कहाँ पे है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है और इक्वेटर है आपका यहाँ पे, इक्वेटर 0 डिग्री पे है रेफरेंस एक्सिस पे। तो इंडिया जो हमारा है वो इक्वेटोरियल, दैट इज आप देखो जैसे मान लो ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल रीजन है। तो समझते हैं क्या आखिर होता क्या है। तो इक्वेटर के जस्ट नीचे इक्वेटर बिल जो होगा उस पर सोलर इंसुलेशन, दैट इज जो सनफॉल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इक्वेटर के जस्ट नीचे अगर हम लोग आ जाएंगे तो ये रीजन छोड़ के ये इस रीजन को हम लोग कहते हैं टेम्परेट रीजन। ये क्या हो गया टेम्परेट, और इस रीजन को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, SH, ठीक है। अब इसी से आ जाओ इक्वेटर का एक बेल्ट छोड़ के ये भी टेम्परेट रीजन में ही आता है और इसको कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया का जो लोकेशन है ना वो सारे 22 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड है। तो यहां पे इंडिया कहीं पे, अब इंडिया का एग्जैक्ट मैप यहां पे बनाना सही नहीं रहेगा क्योंकि स्पेस की कमी है। तो ये जो होगी इंडिया का है, मतलब क्या है, इंडिया जो है थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटोरियल बेल्ट के आसपास है, मतलब इस रीजन से और इस रीजन में 22.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है। अब एकदम टिप पे चले जाओ ऊपर में, ये क्या हो जाएगा आर्कटिक सर्कल, और एकदम टिप बॉटम पे आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। अब ये समझो ये टेम्परेट जोन्स है, ये मतलब क्या है, यहां पे हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लैटिट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, ठीक है। तो इतना हो गया इक्वेटर। अब देखो देखो ट्रॉपिकल, अब जैसे इक्वेटर है ये, इक्वेटर के नीचे वाले जोन को हम लोग ट्रॉपिकल जोन्स कहते हैं और इक्वेटर के ऊपर वाले को भी ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है, मोस्टली सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। अब सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है मतलब क्या है, गर्मी वहां पे होगी, ठीक है। अब समझो कि इंडिया में भी कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ये लाइन है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 स्टेट से पास करती है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इंडिया के 8 स्टेट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो स्टेट्स का नाम मैं बता देता हूं आप लोगों को, पहला होता है मिजोरम, लिख भी देता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, नेमली मिजोरम, फिर आता है त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट से मूव करते चलते हम लोग, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है झारखंड, फिर पास करता है छत्तीसगढ़ से, फिर एमपी, देन राजस्थान, देन गुजरात। अब मैं आपको बताता हूं इस स्टेट में जो प्रॉपर लोकेशन है वहां कहां से पास करता है। मिजोरम में आइजवाल से पास करता है, त्रिपुरा में अगरतला से पास करता है, वेस्ट बंगाल में बर्धमान से पास करता है, झारखंड में रांची से पास करता है, छत्तीसगढ़ में नियर रायपुर से पास करता है, एमपी में सांची नियर भोपाल के पास पास करता है,
राजस्थान में बंसवारा एक जगह है वहां से पास करता है और गुजरात में गांधीनगर से पास करता है। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ सकता है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट और इंडिया। सो यू कैन से दैट दीज आर द स्टेट्स, दैट इज मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। एंड आई हैव ऑल्सो मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट वाइज, यू कैन ऑल्सो रेफर दैट। अब हमको समझना है कि एटीट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशन, उसकी वजह से ही हमारा टेम्परेचर और टाइम ग्रेडियंट क्रिएट होता है ग्लोब पे, दैट कॉजेस शिफ्ट्स एंड डिफरेंसेस इन द क्लाइमेटिक पैटर्न। अब इसकी वजह से ही आप लोग ये देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लैटिट्यूडनल वेरिएशन दिखाया 22 डिग्री हाफ ऊपर, 66.5 डिग्री अप नॉर्थ पे, तो इसके कारण टेम्परेचर का, अब जैसे जैसे इक्वेटर से हम अवे जाएंगे तो मेरा टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे जैसे इक्वेटर से अवे जाएंगे, जैसे इक्वेटर के पास जाएंगे हम लोग, टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, क्योंकि सोलर इंसोलेशन, दैट इज द नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन फॉल करता है, सनलाइट फॉल करता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है पर एरिया, ठीक है। तो अब समझते हैं, तो मेन फैक्टर क्या होता है, मेन लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मॉइस्चर। अब देखो जहां भी है मेन रीजन जो होता है ना वो मॉइस्चर और टेम्परेचर है, दैट इज ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ये क्यों होता है, इसकी वजह से वेजिटेशन बहुत जल्दी ग्रो करता है। अब बताओ रशिया कभी सपोर्ट नहीं करता है किसी भी, जो हम लोग क्लाइमेट कंडीशन को, क्लाइमेटिक कंडीशन को लेके कोई भी जो सबमिट होता है उसको कभी भी रशिया सपोर्ट नहीं करता है इंटरनली। क्यों नहीं करता है, पहले आपको पता है रशिया जो है कोल्ड एरिड है, रीजन है कोल्ड डेजर्ट है रशिया पूरा। तो रशिया चाहता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ग्लोबल वार्मिंग इन द कमिंग लेक्चर्स, कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज करना। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो अगर आइसबर्ग पिघलेगी, ठीक है, तो बाकी सब कंट्री को लॉस हो सकती है, बट रशिया को क्या फायदा होगा कि उनका जो लैंड है ना वहां पे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर इंक्रीज करेगी। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग से अगर पूरा अर्थ पे सबको लॉस है तो बट रशिया को बहुत ज्यादा इसका फायदा है, इसलिए रशिया मोस्टली पार्टिसिपेट नहीं करता इन चीजों में, ठीक है। आप समझते हैं टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा मीन्स बैरन लैंड, जो लैंड जिसका यूज नहीं कर पाते हैं उसको टुंड्रा कहते हैं। सिंस दे आर फाउंड वेयर एनवायरमेंटल कंडीशन आर वेरी सीवियर, देर आर टू टाइप्स ऑफ टुंड्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन। अब देखो जहां पे बहुत सीवियर होगा, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाओ, इस ग्लोब पे बात करते हैं, जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल पे हो गया, साउथ पोल पे हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया, अंटार्कटिका हो गया, वहां क्या है टेम्परेचर बहुत ही, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सीवियर है, -100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस, तो वहां क्या है या तो वो आर्कटिक जगह पे होगा या फिर अल्पाइन पे होगा। तो आर्कटिक टुंड्रा क्या होता है ये समझते हैं, तो समझो कि ये आर्कटिक टुंड्रा एक्सटेंड्स एज अ कंटिन्यूअस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप एंड अबव द ट्री लाइन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट ऑक्युपाइज द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ कनाडा, अलास्का, यूरोपियन रशिया, साइबेरिया एंड एंड आइसलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशन। देखो तो आप समझोगे कि ये जो बेल्ट होगा, ये बेल्ट और इसके ऊपर वाली बेल्ट, ठीक है, तो उसको कैरी आउट करेगा हमारा कौन, आर्कटिक टुंड्रा। उसमें कौन कौन से जगह लाई कर सकते हैं, एज एग्जाम्पल कनाडा, अलास्का, यूरोपियन रशिया, सर्बिया एंड आइसलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अल्पाइन टुंड्रा क्या होता है, अल्पाइन मतलब क्या होता है, जो माउंटेनस रीजन होते हैं। तो अल्पाइन टुंड्रा ऑकर्स एट हाई माउंटेन्स अबव द विथ रिस्पेक्ट टू द आर्कटिक माउंटेन्स आर फाउंड एट द लैटिट्यूड्स, देयरफॉर अल्पाइन टुंड्रा शोज डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन। अब इसमें क्या होता है, अल्पाइन टुंड्रा में होता है डे और नाइट टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो हाइट किसी एच हाइट पे वो मिलता है, बहुत ही ज्यादा हाइट पे, तो वहां क्या होता है डे का क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और होगा, टेम्परेचर प्रेशर कुछ और होगा और नाइट का कुछ और होगा। तो इस यहाँ पे एक टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है जहां पे, जिसके कारण फिर हमको माउंटेनस और फिर अल्पाइन ट्रीज भी मिल जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब हम लोग फ्लोरा एंड फौना समझते हैं, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, ठीक है। तो टिपिकल वेजिटेशन जो होता है आर्कटिक टुंड्रा, जो आर्कटिक रीजन में मिलता है, वो कौन कौन सा होता है, कॉटन ग्रास, सेजेस का मतलब क्या हुआ, सेजेस आप देख सकते हो इस फिगर में, सेजेस मतलब क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो रूट्स निकले, बहुत बड़े बड़े जो लीव्स होते हैं, पॉइंटेड लीव्स, उसको सेजेस कहते हैं। डॉर्फिट्स, विलोज, ब्रिचेस एंड लिचेंस, ठीक है। एनिमल ऑफ टुंड्रा रीजन आर, अब टुंड्रा रीजन कहाँ पे क्या होता, मतलब टुंड्रा रीजन का मैंने आप लोगों को बताया कि बैरन लैंड, जहां पे बहुत ही सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों सर्वाइवल मुश्किल होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ही सीवियर होता है। तो वहां पे कैसे कैसे मिलेंगे, रेनडियर, मस्कॉक्स, देख सकते हो इनकी हेयर किस तरीके से है, मस्कॉक्स, आर्कटिक हेयर एंड स्क्वायरल। क्यों, क्योंकि इनका जो लाइफ स्टाइल होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, वहां पे उनके अकॉर्डिंग इनको ढलना पड़ता है, इसलिए इनका फिजिकल अपीयरेंसेस ऐसा हो जाता है। दैट इज मोस्ट ऑफ देम हैव लॉन्ग लाइफ, एग्जांपल आर्कटिक विलो हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 150 टू 300
Yes, they are protected from chilliness by the presence of thick curtain and the epidermal hair. इनका इनके बॉडी पे हेयर्स बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होता है उसकी वजह से उसके प्रोटेक्शन के लिए. मैमल्स के ऑफ टुंड्रा रीजन हैव ऑलरेडी अ बॉडी साइज वेरी लार्ज बॉडी साइज स्मॉल टेल एंड स्मॉल ईयर टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सर्फेस. ठीक है, अब हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे. तो फॉरेस्ट एक तरीके का गिफ्ट है हमारे इकोसिस्टम में, और वो गिफ्ट कैसे मिला है, इसका मेन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एज वेल एज ग्राउंड मॉइस्चर. तो मेन जो होते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉरेस्ट आर द टेम्परेचर एंड द ग्राउंड मॉइस्चर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटीज. तो फॉरेस्ट तो बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, इसके टाइप्स को हम लोग जानेंगे. सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट टाइप्स को हम लोग जानेंगे, इवन फॉर ग्लोब दैट इज फॉर एंटायर वर्ल्ड एंड ऑल्सो फॉर इंडिया. ठीक है, तो हम लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे, जैसे कि टेम्परेट रीजन में कौन सा फॉरेस्ट होता है, फिर इक्वेटोरियल बेल्ट पे कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, फिर आपको बहुत सारा है कार्निवोर, बहुत सारा डिफरेंट टाइप का रीजन है, डिफरेंट टाइप. जैसे हमारा अर्थ ग्लोब है उस पर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, डिफरेंट फॉरेस्ट हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, बोरियल फॉरेस्ट हो गया, और डिफरेंट तरीके के हैं, तो उसके टाइप्स को जानना बहुत ही जरूरी है. ये था हमारे अर्थ के बारे में और उसके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में, और हम लोग अगली क्लास में फॉरेस्ट इकोसिस्टम को जानेंगे और उसके टाइप्स को जानेंगे. हालांकि ये थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा फॉरेस्ट टाइप्स का, बट फिर वी विल कवर इट इन द सिंगल लेक्चर. आई विल ट्राई टू कवर इट इन अ सिंगल लेक्चर. I will explain you about different type of forest found in the different terrestrial or even alpine location of India as well as for the entire world. So you can join my Telegram channel Gate is Simplified with the same name, so that we will be in touch. And also you can join my Facebook group with the same name. I will provide the link in the description box.